अरुण मोरी और करिगार्डन को मिलकर यहाँ आने से हमें रोकना होगा। स्वागत करता हूं दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है न्यू मूवीज अपडेट। दोस्तों विक्रम सर की मूवी पोन्नियिन सेल्वन पार्ट 1 रिलीज के दूसरा दिन है और आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे इस मूवी ने रिलीज के पहले दिन कितने करोड़ की कलेक्शन कर ली थी, आज कितने करोड़ की कलेक्शन करने लगे हैं, दो दिनों के मिला के वर्ल्ड वाइडली कितने करोड़ की कलेक्शन अब तक हुई है। आपसे उम्मीद है वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा। तो दोस्तों मूवी पोन्नियिन सेल्वन पार्ट 1 ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आए, हर जगह से मूवी को पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं। मूवी ने कल भी ब्लॉकबस्टर ओपनिंग ली थी और अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज के चलते आज भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन करने लगे हैं और पब्लिक ऑडियंस को इस मूवी के सीक्वल के लिए भी पूरी तरह से ऑडियंस जो है तैयार है। और कलेक्शन बता उससे पहले आपको याद दिला दूं इस मूवी के बजट के बारे में। तो दोस्तों पोन्नियिन सेल्वन पार्ट 1 मूवी के टोटल जो बजट है पूरे 190 करोड़ रुपए। इस मूवी के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट थे पूरे 165 करोड़ रुपए और मूवी के प्रिंट एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है पूरे 25 करोड़ रुपए। तो कुल मिला के पार्ट 1 के टोटल जो बजट हो जाते हैं पूरे 190 यानी 190 करोड़ रुपए। अब बात की जाए कलेक्शन की तो दोस्तों पोन्नियिन सेल्वन पार्ट 1 मूवी ने रिलीज के पहले दिन इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर लिया था ऑल लैंग्वेज के साथ पूरे 40 करोड़ 50 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों मूवी ने रिलीज के पहले दिन ऑल भाषाओं के साथ इंडिया बॉक्स ऑफिस पे जो नेट कलेक्शन कर लिया था पूरे 40 करोड़ 50 लाख रुपए। बात की जाए दोस्तों मूवी के दूसरे दिन यानी आज के कलेक्शन की तो दोस्तों ओकेशनली साथ ही साथ आज हाफ हॉलीडे यानी सैटरडे है तो कलेक्शन ग्रोथ ही देखने को मिलने लगा है। आज इस मूवी के मॉर्निंग वाले शोज के ऑक्युपेंसी पे 85% ऑडियंस हाउसफुल देखने को मिले हैं जो कि अभी के रिपोर्ट के जानकारी के अनुसार पोन्नियिन सेल्वन पार्ट 1 मूवी रिलीज के दूसरे दिन पे यानी आज इंडिया बॉक्स ऑफिस पे जो नेट कलेक्शन करने लगे हैं पूरे 37 करोड़ रुपए। और इसी के साथ दोस्तों मूवी के दो दिनों का टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन होते हैं पूरे 76 करोड़ 50 लाख रुपए। वही दोस्तों मूवी के दो दिनों का टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे ग्रॉस कलेक्शन होते हैं पूरे 90 करोड़ रुपए। बात की जाए दोस्तों ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर की कलेक्शन की तो दोस्तों दो दिनों को मिला के ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर से टोटल जो कलेक्शन किया है 22 यानी 22 करोड़ रुपए। तो दोस्तों जहां पे मूवी ने दो दिनों में टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस पे ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है पूरे 90 करोड़ रुपए, वही दोस्तों मूवी ने दो दिनों में टोटल ओवरसीज कलेक्शन किया है पूरे 22 करोड़ रुपए। यानी पोन्नियिन सेल्वन पार्ट 1 मूवी ने अपने इन दो दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है पूरे 112 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों यही है पोन्नियिन सेल्वन पार्ट 1 मूवी के दो दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस ग्रॉस कलेक्शन जो कि हो चुकी है पूरे 112 करोड़ रुपए। तो दोस्तों क्या लगता है ये मूवी लाइफ टाइम कितने करोड़ की कलेक्शन कर पाएगी, आपकी प्रिडिक्शन कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आगे की अपडेट के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो पे, टेक केयर, बाय दोस्तों।